शुरुआत में बेटा बहुत दिक्कतें आती है रास्ते में, तो मेहनत से पीछे मत हटना। पढ़ाई बहुत मजेदार चीज होती है, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, आग लगा दोगे बेटा। अगर मेहनत करते रहोगे तो बेटा क्वेश्चंस तो क्या हर चीज आप लोगों से सॉल्व होगी, तो मेहनत से पीछे मत हटना। शुरुआत में बेटा बहुत दिक्कतें आती है रास्ते में, बट हमेशा ध्यान रखना जितना रास्ता आपका दिक्कतों भरा होता है, मंजिल उतनी बेटा शानदार होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, मेहनत करते रहो। क्वेश्चन जो होते हैं ना बेटा, जो न्यूमेरिकल होते हैं, ये प्रैक्टिस वाली चीज है। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है, वो मैं एंश्योर कर रहा हूं कि वो स्ट्रांग होने चाहिए, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है ना, आग लगा दोगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। शुरू में दिक्कत हो सकती है, लगे रहो, खूब करो बेटा, धीरे धीरे आप देखोगे इंप्रूवमेंट होता जाएगा। और मेरा हर बच्चा न्यूमेरिकल में तो कभी नहीं अटकेगा, ठीक है? तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, बिंदास होके पढ़ना है। पढ़ाई बहुत मजेदार चीज होती है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बट इसको अगर रट्टे मारोगे, अगर फॉर्मूले याद करने का प्रयास करोगे तो बेटा बोरिंग हो जाएगी, समझ में नहीं आएगा मतलब क्या है। फिर तो बेटा रटने में तो बोरिंग होता ही है ना यार, ठीक है? समझोगे तो फिर मजा आता है ना, प्यार हो जाता है बेटा, है ना? और केमिस्ट्री तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है ही, तो इसलिए टेंशन। कुछ बच्चे कह रहे सर कैलकुलेशन में दिक्कत है। बेटा कैलकुलेशन में इसलिए आप लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि आपने कभी न्यूमेरिकल लग के प्रैक्टिस ही नहीं किए थे आज तक। पहली बार जीवन में आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने की हिम्मत कर रहे हो, तो मेरे बेटा टाइम तो लगेगा ना। यस, टाइम देना है, लगे रहना है। शुरू लोगों को जो चीजें मुश्किल लगती हैं, मुश्किल होती नहीं है मेरे बेटा। अभी हमारी इसका मतलब कंसेप्ट सीख गए हो तो बेटा, बट कई बार क्या होता है, जब हमारी प्रैक्टिस कम रहती है, हमने पहले उस तरीके से नहीं किया है, तो हम उस पे हम न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं बन पाती है। बट तुम जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे, और तुम देख भी रहे हो बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन अब सॉल्व होने शुरू हो गए हैं, तो बेटा ऐसे लगे रहो। आई एम टेलिंग यू, बहुत अच्छा करोगे आप लोग, ठीक है ना? ऐसी मेहनत करते रहने हैं, हिम्मत नहीं हारनी। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं, सक्सेस और फेलियर में जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस होता है केवल और केवल हिम्मत हार जाने का। जो फेलियर लोग होते हैं ना, शुरुआत बहुत जोश में करते हैं, परंतु वो जैसी लगता है ना थोड़ा सा राह मुश्किल होती है, तो वो राह ही छोड़ देते हैं या रुक जाते हैं। बट जो होते हैं ना जिद्दी किस्म के, नहीं बेटा अचीव करके छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा, इसकी तो मतलब कैसे नहीं होगा ये, इसको तो बजा दूंगा मैं अच्छे से, है ना? तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो लगे रहते हैं, हिम्मत नहीं हारते। अरे क्या दिक्कत है, पहले नहीं करा तो ठीक है, 10 में से 5 नहीं हुए कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करके अचीव करूंगा। और ध्यान रखना बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, अपनी जीवन भर में इसको उतार लेना अगर सक्सेसफुल होना है। इंटेलिजेंस पर भारी पड़ती है सिंसियरिटी। बेटा अगर आपको लगता है ना कि आप इंटेलिजेंट नहीं भी हो, अरे नहीं है जरूरत जीवन में सफल होने के लिए इंटेलिजेंट बनने की, नहीं जरूरत है जीनियस होने की। आप सिंसियर बनो ना, जिस काम के पीछे लगे हो आगलों की तरह लग के तो देख, सच बता रहा हूं बेटा, सफलता आपके कदम चूमेगी। और मुझे इस चीज का गर्व होगा कि मेरे बच्चे, भाई मेरे बच्चों को मैंने कुछ बात बोली थी, उसने उस चीज को अपनाया और उन्होंने बढ़िया किया। तो मेहनत करते रहो, किसी भी एंड पे बेटा रुको मत, ठीक है? प्रयास करते जाओ मेरे बेटा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, कसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, सही बोला ना? तो बेटा ये सारी कहावतें ऐसी नहीं है, बड़े बूढ़े जब बोलते हैं ना बेटा, अनुभव से बोलते हैं, ठीक है? सफल हो जाओ, बस यही बेटा हमारा सपना है। मेहनत करो, डॉक्टर बनोगे, हम लोग हैं आपके साथ, बस लगे रहो, ठीक है? हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है।